बिहार के गया जिले के डोभी थाना क्षेत्र के करमौनी गांव में बुधवार तड़के दो अज्ञात बदमाशों ने स्थानीय भाजपा नेता संतोष कुमार के घर पर बम से हमला कर दिया। हालांकि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई है। सुबह परिवार ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। गिरिस्वामी ने अज्ञात लोगों के खिलाफ डोभी थाने में प्राथमिक दर्ज कराई है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जाँच पड़ताल में जुट गई है। बम से घर पर हुए हमले के बाद से बीजेपी नेता और उनका पूरा परिवार काफी सहमा हुआ है। परिजनों का कहना है कि कल रात में वो सो नहीं पाए। प्रारंभिक जांच के मुताबिक बीजेपी नेता के घर पर देसी बम से हमला किया गया। पुलिस के अनुसार दो अज्ञात हमलावरों ने हमले के समय संतोष के घर पर दो देसी बम फेंके हैं। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे का फुटेज बरामद किया है, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों ने बीजेपी नेता के घर पर दो बम फेंकते हुए देखे जा सकते हैं। उसके बाद दो बमों से भरा बैग छोड़कर वो लोग तेजी से मौके से फरार हो गए। दोनों हमलावर हेलमेट और मास्क पहने हुए थे। पुलिस दोनों अपराधी की पहचान करने और हमले के पीछे के मकसद को पता लगाने के लिए आगे की जाँच कर रही है। वहीं बीजेपी नेता संतोष ने दावा करते हुए कहा है कि भय और आतंक पैदा करने के लिए उनके घर पर बम से हमला किया गया।